So this is one reason why fundamentalism is growing in popularity, for example, all over West Asia. Today, young Egyptians are not of the peasant class, not of the laboring class who are becoming fundamentalists. They are those who have returned from the West, students, who form a good bit of the Muslim Brotherhood in Cairo and in other parts of the West Asia. Fundamentalism basically offers a simple solution, to go back to a simpler kind of society. I personally don't believe it is possible. It offers a solution which would be valid 2 or 3 centuries ago. It's no longer valid today. Today, in fact, we live in a pluralist society. We live within a scientific age. Fundamentalism would like to close us in and to keep us over there and say, all right, now all of us can believe the same things. We can't believe the same things anymore. Therefore, the challenge is to make a democratic, secular society work. If it works, there's no threat at all from fundamentalism. And all those countries, I was just reading the papers recently, Morocco is a good, Tunisia is a good example of that, where alone of almost of the whole of the Arab world, it has managed to hold the fundamentalists at bay. Because Bourguiba, when he came into power, spent 25% of the budget on education. And that is one reason why, although the fundamentalist parties are there always agitating for power, the Democratic Party still holds. All right, I'll end up right now. There are many more things which can be said, but as you realize, I've tried to give you an idea of how fundamentalism starts and why it has a certain hold today and what we can do, in other words, to keep it at bay. Thank you. Thank you, Dr. Pereira. The next speaker is Dr. Vasudev Vyas. नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मायो देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुणेभ्यः अध्यक्ष महोदय मेरे साथी वक्ताओं देवी और सज्जनों विषय अपने आप में बड़ा जटिल है और मैं समझता हूँ इसको मूल रूप में समझ लेना आवश्यक है जहाँ तक मूल प्रश्न है आज के विचार का कि क्या धर्म अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य में बाधक है इसका उत्तर मैं निषेध के रूप में दूंगा कि वह बाधक नहीं है लेकिन उसके बाद मेरे पूर्व वक्ता वैसे मैं चाहता था कि मैं अन्य वक्ताओं के भी बाद में बोलता लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो क्रम रखा मुझे स्वीकार है बाद में हम लोग कुछ डिस्कशन और करेंगे ही मेरे पूर्व वक्ता ने जिस रूप में बात रखी मैं क्षमा चाहूँगा मैं उससे सहमत नहीं मैं सनातन वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहा हूँ जहाँ तक हमारे धर्म का प्रश्न है मैं समझता हूँ किसी भी धर्म उन्होंने एक बात आपके सामने रखी कि किसी भी धर्म के फंडामेंटलिस्ट माने अतिरेकी शायद उसके लिए आजकल हिंदी में शब्द चल रहा है वो ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता किसी के साथ हम डिस्कशन नहीं कर सकते और उस पर कोई विचार नहीं डायलॉग नहीं कर सकते और विचार नहीं कर सकते जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है ये बिल्कुल सही है कि हम ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता परंतु उसके बाद हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि हम किसी के साथ विचार नहीं कर सकते या किसी को हमसे अलग विचार रखने नहीं दे सकते दो बातों पर ध्यान दीजिएगा मैं जहाँ तक समझता हूँ सारी समस्याएं तब से उत्पन्न हुई जब से कुछ नवीन धर्म वालों ने प्राचीन धर्म वालों को कन्वर्ट करके परिवर्तित करके अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया जब तक ये प्रयत्न नहीं होते थे तब तक इस प्रकार की समस्याएं कभी उपस्थित नहीं हुई थी आप देखेंगे जितने प्राचीन धर्म हैं खासकर जैसे सनातन धर्म वो किसी अन्य को अपने में कभी लेने का प्रयत्न नहीं करता हम लोग कन्वर्शन के दोनों प्रकार से विरोधी हैं किसी हिंदू को यदि कोई मुसलमान या ईसाई बनाना चाहे तो भी हमें कष्ट होता है पर किसी मुसलमान या ईसाई को कोई हिंदू बनाना चाहे तो उसे भी हम गलत समझते हैं और हम गलत समझते हैं माने ये हमारा वैयक्तिक विचार नहीं है मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का सिद्धांत यह है कि हमारा अपना कोई विचार नहीं है
जो शास्त्रों का विचार है वो हमारा विचार है। शास्त्रों को समझने में हमारी कहीं भूल हो रही हो तो उसे सुधारने के लिए हम किसी भी क्षण तैयार हैं। और सच तो ये है कि हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा ये रही है कि विरोधी पक्ष को हमेशा हमने आमंत्रित किया है, उनकी ओर से पहले विचार किया है। हमारे यहाँ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की एक प्रक्रिया है। मैंने जानबूझकर हिंदी को इसलिए चुना कि बहुत से ऐसे संज्ञाएं आएंगी, ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगी कि जिनका अंग्रेजी अनुवाद मैं समझता हूँ संभव नहीं है। बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया है लेकिन इन संस्कृत शब्दों का बिल्कुल सही अनुवाद मैं समझता हूँ कि आज की भाषा में हो नहीं सकता। उसके निकट आप जा सकते हैं पर एकदम सही अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द का अर्थ केवल शब्दकोश में जो मिलता है, केवल डिक्शनरी मीनिंग शब्द का अर्थ नहीं होता। उस शब्द के साथ उसकी बहुत सी छायाएँ, उसके बहुत से अर्थाभास जो साथ में लग जाते हैं, उन्हें मिलाकर शब्द का अर्थ होता है। सच यह है कि धर्म शब्द का सही अर्थ रिलीजन शब्द नहीं देता, पर हमें व्यवहार करना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सनातन धर्म का की ये परंपरा रही है कि हम पहले पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष लेते हैं। शंकराचार्य ने यहाँ नास्तिकवाद का समर्थन करना शुरू किया है, वहाँ इतना जबरदस्त समर्थन किया है कि उनके बाद के बहुत से नास्तिक आचार्यों ने ये स्वीकार किया है कि हमारे नास्तिक आचार्यों ने भी हमारे पक्ष का इतना प्रबल समर्थन नहीं किया जितना शंकराचार्य ने किया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूर्व पक्ष जितना बलवान होगा हमारा उत्तर पक्ष उतना ही बलवान होगा। यदि पूर्व पक्ष दुर्बल होगा, कमजोर होगा, तो उत्तर पक्ष भी कमजोर रहेगा। इसलिए पूर्व पक्ष बहुत अच्छा बने ये हमारा प्रयत्न रहता है, उसके बाद हम उसका उत्तर देना चाहते हैं। इसलिए हम अपने धर्म के भीतर या धर्म के बाहर और किसी से वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी बात यह है जो वास्तव में पहली बात है कि क्या धर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा उत्तर यह है कि धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी धर्म हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ सब ये मानते हैं कि धर्म के आचरण का फल परलोक में मिलता है। इस लोक में हमें जो सुख या दुख मिल रहा है वो इस लोक के किए हुए कर्मों का ही फल है, ऐसा नहीं है। अधिकांश रूप में जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, दैव कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है और इस जन्म में किए हुए अधिकांश पुण्य और पाप का फल हमें परलोक में मिलता है। हमारे जो साथी पुनर्जन्म नहीं मानते वे भी इतना तो मानते हैं कि मरने के बाद दी एंड नहीं हो जाता, मरने के बाद भी आत्माएँ कहीं कहीं विद्यमान रहती हैं और कोई एक दिन ऐसा आएगा जिसे आप प्रलय का दिन या प्रलय की रात्रि कह लीजिए या कोई डे ऑफ जजमेंट कह लीजिए, ऐसा कोई एक दिन आएगा जिस दिन ईश्वर आकाश से उतरेगा और उतरकर उन सब जीवों को फिर से पूछेगा कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं और उनका ये फल तुम भोग लो। ये अलग बात है कि वो ऐसा मानते हैं कि हमें एकमात्र यही जन्म मिला हुआ है, इसमें जो कर्म हम कर रहे हैं अच्छे या बुरे उनके फलस्वरूप हमको अच्छा या बुरा फल मिल जाएगा, हम अनंत काल के लिए स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाएंगे, ये वे मानते होंगे। हम ऐसा नहीं मानते, अनेक जन्म मानते हैं, पर एक बात सब में समान है वो ये कि जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं उनका जो फल हमें यहाँ मिल गया वो अंतिम फल नहीं है, उसके बाद भी कोई फल और मिलना बाकी है। माने हम जो कुछ कर्म यहाँ कर रहे हैं उसके लिए वी आर आंसरेबल टू समबडी एल्स, किसी और को हमें कभी जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। ये अगर कोई नहीं मानता तो धर्म को नहीं मानता, ये आप निश्चित समझ लीजिए। वैसे आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं भी अनेक हुई हैं लेकिन मैं इस समय आस्तिक और नास्तिक की यही परिभाषा करना चाहता हूँ और जो हमारे शास्त्रों से बहुत अंशों में सम्मत भी है कि जो परलोक को माने, परलोक का अर्थ पुनर्जन्म यहाँ आप मत करिए, हम व्यापक रूप से मरने के बाद कुछ और होता है इतना जो माने, ईश्वर को भी मानना जरूरी नहीं है। हमारे वैदिक संप्रदाय में भी बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को बहुत उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं और कर्मफल को वे भी मानते हैं। तो मरने यहाँ किए हुए कर्मों का हमें मरने के बाद भी कहीं उत्तर देना पड़ेगा, इतना जो मानता है वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे यहूदी है, कुछ भी है, वो धार्मिक या आस्तिक है, ऐसा मानने के लिए हम तैयार हैं।